तो अभिजीत जी, फिल्म आ रही है नक्सल पे बेस्ड है फिल्म, कुछ अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में आप? मैंने अभी मैं देखने आया हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना डायरेक्टर कि ये नक्सल के ऊपर ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर बनी है नक्सल के उस दौरान, उस पीरियड में जबकि मैं भी शायद जूनियर स्कूल में था, तब मैं भी सुना करता था नक्सल। मैं खुद एक बंगाली हूँ, लेकिन मैं बंगाल में रहा नहीं हूँ, मैं यूपी कानपुर में रहा हूँ, तो उस समय बहुत ये सब होता था। तो उस समय के टीनेज दो लड़कों की कहानी है जो इससे जुड़े हुए थे, लेकिन फिर वो लोग आज बोलते हैं कि उनके ये 40 42 साल बाद या 45 साल बाद उनकी लाइफ में फिर से उन्होंने कहा कि ये एक आंदोलन करना चाहिए, कहीं ना कहीं मानवता के लिए, कहीं ना कहीं किसी जो भी इतना देश में इतना करप्शन फैला है, इतना कुछ सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक आंदोलन है, एक जिसको बोलते हैं प्रतिवाद, हम लोग हिंदी में प्रतिवाद बोलते हैं, बंगाली में उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हैमर किया, प्रतिवाद। तो वही एक रिवोल्यूशन। बंगाली फिल्म एक नए मुकाम पे पहुंच रहा है धीरे धीरे, जैसे हम देख रहे हैं हाल ही में ऐसी बहुत सी फिल्में रिलीज हुई हैं जो एक नया लेवल सेट कर रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बंगाली फिल्म, बंगाली स्क्रिप्ट, बंगाली आर्ट हमेशा एक ट्रेंड सेटर रहा है। जो भी बंगाल करता है तो करता था हमेशा हिंदी में, बाद में उसका रीमेक बनता था, काफ़ी दिन तक ऐसा हुआ। तो बंगाली फिल्म अलग, बंगाली कोई ऐसे पिक्चरें नहीं बनाते कि आजकल क्या चल रहा है। बंगाली फिल्म जब बनती है तो एक कुछ होता है उसके पीछे फिलॉसफी होती है, रियलिटी होती है। मैं कमर्शियल नहीं, नॉर्मल फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का और आया जो हिंदी में भी आया, और हिंदी में भी जब ये इस तरह की फिल्में आ रही है, आप देखेंगे दे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स मोस्टली दे आर फ्रॉम बंगाल, चाहे वो आप विकी डोनर ले लीजिए या पिकू ले लीजिए, इस तरह की फिल्में जब बनती हैं तो बंगाल का सोच इस तरह की आती है। तो बंगाली सिनेमा गाने गाते हुए मैं आप नजर आएंगे? बंगाली में एक ऐसा गाना जो अमर है, जिस गाने से हमारे बंगाल का बहुत बड़ा स्टार आया सामने, वो गाना जब भी दुर्गा पूजा आता है तो वो गाना हमेशा अमर है, वो गाना बजता ही बजता, उसके बिना कोई दुर्गा पूजा नहीं होता। और मैं खुश नसीब हूँ, मैं इतना बड़ा दुर्गा पूजा करवाता हूँ, और वो गाना भी दुर्गा जी के लिए ही इतना बड़ा हिट है वो, कि हर साल वो गाना बजता ही बजता है। दो लाइन हो जाए ऑडियंस के लिए, मुझे मालूम था। ढाकर तारे कोमर दोले खुशी ते नाचे मोन, प्रतिबाद प्रतिबाद। अभिजीत, आप हाल ही में कुछ दिनों में ऐसे कंट्रोवर्सीज में भी